मोदी जी 400 पार होंगे इस बार? 400 नहीं 500 पार। हमें तो ये चीज है, हमें तो ये चीज है, हम आजाद हो गए। मोदी के लिए इतना क्रेज इसलिए है कि ये मोदी हमें लोकप्रिय नेता मानते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, हमारे दिलों में बसते हैं मोदी। अनी कहीं नहीं यार, तूफान विपक्ष जीरो है। अजी 400 नहीं 400 पार होगी अब की बार। सभी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सभी लोग देशवासियों से कि भाजपा ही एक हमारे पास ऐसा विकल्प रह गया है जिससे कि देश के विकास की एक दौर आएगी। भारत माता की। कहाँ से आए हैं? कपसाल से जी, कपसाल गांव सरदाना तहसील पड़ा है जी। अच्छा, तो मोदी जी को देखने आए? मोदी की बोल देंगे कपसाल गांव सारा। अच्छा, हाँ तो मोदी जी 400 पार होंगे इस बार? 400 नहीं 500 पार, 400 नहीं पूरा का कब साथ 500 पार करेंगे हम। अच्छा, तो ये जयंत चौधरी और मोदी जी जो साथ आए इस गठबंधन पर क्या कहेंगे? मजा आ जाएगा दोनों पार्टी का, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा दोनों पार्टी का। तो मोदी जी के ऐसे कौन से काम है जिससे इतने प्रभावित है? अरे काम बढ़िया, बदमाश बदमाश सब कर गए, बदमाश सब कर गए, तुम आजाद हो गए। और क्या चाहिए हमें? हमें तो ये चाहिए, ये चाहिए हमें तो, हमें तो ये चाहिए, तुम आजाद हो गए। राम मंदिर पर क्या कहेंगे? हां जी, राम मंदिर बना तो विपक्ष कह रहा था वोट बैंक के लिए। बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, दुश्मन में आके सारे दुश्मन में आके, ठीक है। आपका नाम जी? मेरा नाम योगी बाबा कमलनाथ है मैम। आया? मैं डिस्ट्रिक्ट शामली से आया हूँ। यहाँ पर मोदी जी की जो है रैली है तो बड़ा उल्लास के साथ में हम यहाँ पे बस लेके आए, 5 बस लेके आए शामली से। अच्छा, इतने सारे लोग? हाँ, इतने सारे काफी लोग आए हैं। हम यहाँ से अपने कस्बे से, हमारे कस्बा गड़ी पुख्ता पड़ता है जिला शामली में। अच्छा, 5 बसे आई है हमारे कस्बे से यहाँ से। अच्छा, तो मोदी के लिए इतना प्यार इतना क्रेज है? मोदी के लिए इतना क्रेज इसलिए है कि ये मोदी हमें लोकप्रिय नेता मानते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, हमारे दिलों में बसते हैं मोदी। कि उन्होंने विकास विकास कर दिया उन्होंने काफी, यहाँ पे जो है धारा 306 हटा दी और गरीबों को आवास दे दिए मैम। यहाँ पर जो आवास इतने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना दी और राशन दे रहे और मतलब सिलेंडर मुफ्त दे दिए गरीबों को, शौचालय दे दिए, बहन बेटियों को अपनी इज्जत यहाँ पे बहुत बचा दी है, टॉयलेट की सुविधा दी है, सड़कों पर पुलिस तैनात रहती है, बहुत सुविधा दी है मैम यहाँ पे। जय मोदी जी ने, हमें मोदी जी का बहुत फैन है और मैं ये गोरखपुर से भी लोन करता हूँ। परम पूज्य आदित्यनाथ जी हमारे गुरु भाई हैं और इसलिए हमें यहाँ रैली में एक निमंत्रण मिला है, तो हम यहाँ रैली में बड़े सैलाब के साथ में आए हैं मोदी जी को देखने के लिए। लोकप्रिय नेता है मोदी जी हमारे, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है मोदी योगी जी। हमारी पूरी टीम बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी गढ़ी पुख्ता से आई है मैम यहाँ पर जो है मोदी जी को देखने के लिए। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे विपक्ष जो है वो कहती है कि ईवीएम हैक हो जाता तो मोदी जी जीतते, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। पहले 70 साल से मैम देखो, 70 साल से पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, तो पहले तो बेमानना कांग्रेस ने किया होगा, तभी बीजेपी ने किया होगा। जब इनके अंदर में ये बात आ रही है तो ये पहले तो 70 साल तक ये सरकार रही है कांग्रेस की, कांग्रेस ने घोटाले करे, कोला घोटाला करा, कुछ करा। आज ये देश में मोदी जी की सरकार है, घोटाले वालों के खिलाफ है। और यहाँ पे जयंत चौधरी का मैं साथ मिला भारतीय जनता पार्टी में, तो इसलिए जो है बड़ी बहुमत से सरकार बनाएंगे हम, लोकप्रिय सरकार बनेगी हमारी, क्या नाम, सेंटर में, और मोदी जी और 400 पार होंगी सीट, 400 के पार जाएंगे, मोदी जी की सरकार बनेगी यहाँ पे। अनिल कुमार, गढ़ी पुख्ता, डिस्ट्रिक्ट शामली से। क्या लगता है 400 पार होगा? 400 पार होगा मैडम, बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम जयकुमार सोम है, ग्राम प्रधान पाली से हूँ मैं। अच्छा, ठाकुर 24 से हैं जी। तो मोदी जी 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, क्या लगता है? 400 पार नहीं, 425 भी हो जाएंगी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पश्चिम से आकाश बच चुका है राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का। ये पश्चिम से आज ऐसा तूफान बन के चलेगा, पूरब लो सबको उखाड़ के फेंकता चला जाएगा। अच्छा, तो जयंत चौधरी और मोदी जी जो साथ आए हैं, इसका कितना बीजेपी को फायदा हो रहा है और समाजवादी पार्टी को? बहुत फायदा हो रहा, बहुत फायदा हो रहा। कुछ बताइए कि जैसे समाजवादी पार्टी में थे पहले, उसके बाद अब बीजेपी में आ गए, तो समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा घाटा जो उठाना पड़ा है जयंत चौधरी के द्वारा? जयंत चौधरी से नुकसान है, समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, ठीक है। हाँ जी, तो अब विपक्ष जो है वो कहती है ईवीएम हैक होता है तो मोदी जी जीतते हैं, कुछ कहेंगे? नहीं, ईवीएम जब है ही ना, जब विपक्ष कहेगा ही ना जो हार जाओ, वो नहीं कहा मेरी गैल घोटाला खेल लिया। एक मेरी साथ भी मेरी गैल जब चुनाव हुआ, मैं चुनाव जीत गया तो उन्होंने कह रहा मेरी गैल बेईमानी कर ली। अरे तेरी आंखों के आगे वोट खुल ली, एक वोट गिन ली, सारा काम हो गया तो कहां से चुनाव में गड़बड़ होगी? तुम तीन भाई गिनवा रहे वोट में, अकेला गिनवा रहा, तो जब जो हार जाओ वो नहीं कहवा गड़बड़ होगी।
अनि कहीं नहीं यहाँ तूफान विपक्ष जीरो है। मोदी योगी मोदी 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 योगी जैन चौधरी जैन चौधरी। ईवीएम का रोना और रोल लगे मुद्दा मिलता तो ईवीएम में गड़बड़ है। दुनिया मिल रही है ऐसी समर्थन में हो रही है। चलो क्या मुद्दा नहीं करा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, 35 हटा दी, सब कुछ हटा दिया, मोदी जी के साथ है, अब की बात 400 पार। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बोलते हैं, इनके पास कुछ कहने को तो है नहीं, ना दिखाने को कुछ है, ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने को, पब्लिक में भ्रम फैलाने के लिए कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, इस तक कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला, अब की बार तो 400 पार है ही यार। अच्छा राम मंदिर को लेकर काफी बयानबाजी हुई थी कि राम मंदिर जो है हिंदू वोटों को एक तरफ करने के लिए की गई है, उस पर कुछ कहेंगे? राम मंदिर तो बनने के लिए शुरू से ये सबसे आगे रहे हैं, जो मोदी जी के नेतृत्व में ही बनना था ये राम मंदिर, और जयंत चौधरी के आने से अब के यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को और बल मिल गया, तो अब के तो 400 प्लस ही है। राम मंदिर तो शुरू से अटैचमेंट का एक केंद्र आई है हिंदू का, और ये हिंदू नेतृत्व की सरकार है, हिंदू विरोधियों को भारी रखने में भलाई है अब देश की, अब मोदी जी के साथ ही देश का विकास संभव है आगे। अच्छा, जो विपक्ष एक साथ आई है, जो इंडिया गठबंधन है, इसके साथ में आने से मोदी को कोई नुकसान? कोई भी नुकसान नहीं, ये तो और भी अच्छा हुआ, ये तो और भी अच्छा हुआ। पुराने उसमें एक कहावत थी कि जब सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो जाए तो ये समझ लेना आपका राजा ईमानदार है, आचार्य चाणक्य जी का ये कथन है, जब सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो ये समझ लेना आपका राजा ईमानदार है, ये वही कथन है। आज कहाँ से आए? तोलकपुर का मैडम। अच्छा, तो मोदी जी को देखने के लिए आए? जी यस, जी यस। अच्छा, तो मोदी जी की रैली से चुनाव में फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा, फायदा होगा, फायदा फायदा होगा। जब 400 पार होंगे? हाँ होंगे होंगे। हाँ जी मैडम जी, हाँ जी, तो 400 पार होंगे मोदी जी? हाँ जी, 400 नहीं, 400 पार होगी अब की बार। अच्छा। इसमें किस में कोई शक ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अब ये जयंत चौधरी और मोदी जो एक साथ आए हैं, हाँ। तो इस गठबंधन पर क्या कहेंगे? हाँ? इस गठबंधन पर क्या कहेंगे? इस गठबंधन की ये जो है भाजपा के साथ गठबंधन हो क्या, इस पार्टी को जो है बहुत मजबूती मिलेगी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत की बहुत सारी सीट मिलेगी। जितने में समझौता हुआ जयंत चौधरी के बीजेपी में आने से समाजवादी पार्टी को कितना भारी नुकसान जो है उठा हुआ है? मैडम जी बहुत सारा नुकसान होगा, खत्म है सपा, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अगर सपा का आज का गठबंधन रहता तो पहली बार फायदा आया था, अब की बार सपा के सीट पर समझौता नहीं हो पाया तो सपा को इस बात का धोखा रहेगा, बहुत भारी नुकसान रहेगा। तो कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा अनिल गौतम। कहाँ से आए? तुगलकपुर के मैडम। अच्छा, तो मोदी जी 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, क्या लगता है पूरा होगा? नहीं, 400 पार का आंकड़ा तो पूरा नहीं होने का। अच्छा, होने का नहीं पूरा। अच्छा, तो आरजेडी जो है जयंत चौधरी और मोदी जी का जो अभी गठबंधन है, इस पर क्या कहेंगे कुछ टिप्पणी? फायदा मिला मोदी को इस चीज का? अच्छा। फायदा मिला, बहुत फायदा मिला, फायदा है, क्या फायदा है, क्या लगता है, क्या बदला है? लेडी की सभा होगी और मोदी की भी आवेंगी, 405 है लेकिन 406 ना हो जाए। अच्छा, बड़ा बुजुर्ग आदमी। आपकी आपकी उम्र कितनी है? 80 है लगभग। अच्छा, 80 की उम्र में आप इतनी गर्मी में तपती धूप में यहाँ पर रैली देखने के लिए आए? हाँ हाँ। क्यों? कोई कमजोरी नहीं है, चलने में फिरने में। मोदी जी के लिए स्वतंत्र संग्राम सेनानी भी है ये। अच्छा। देश की आजादी में उन्होंने लड़ाई में हिस्सा भी लिया। अच्छा। और अब जो इनको जुनून है भाजपा की तरफ से, ये इनको कहे कि मोदी मेरे आदर्श है और आदर्श ही रहेंगे। धन्यवाद, पप्पू भी आप क्या की बार पप्पू क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। कहाँ से आए? मेरठ से। अच्छा, मेरठ से आए हैं। तो मोदी जी 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रहे, पूरा होगा? हाँ जी, 400 प्लस ही रहेगा। अच्छा, अभी जो गठबंधन है जयंत चौधरी और मोदी जी जो है सब एक साथ आ रही है, इस पर क्या कहें? ये गठबंधन बहुत ही अच्छा है और दोनों साथ में देश के लिए तरक्की के लिए है ये। समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी ने छोड़ दिया और वो मोदी जी के साथ आ गए हैं, तो इससे समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है? समाजवादी को इसकी कोई नहीं है, सीट नहीं आने की, और जयंत चौधरी ने बहुत अच्छा किया उनका साथ छोड़ के। अच्छा, तो मोदी जी आज जो ये रैली कर रही है पूरी वेस्ट यूपी, अगर आप एक देखेंगे कि उसे साधने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस रैली का असर चुनाव पर कितना ज्यादा देखने के लिए मिलेगा? जो रैली हो रही है आज मोदी जी और जयंत चौधरी साथ में है, इससे बहुत ही देश को फायदा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा सीट मिलेगी हमको। का नाम?
मेरा नाम हितेश गडरिया है। कहाँ से आए? मैं मेरठ से हूँ, मोदीपुरम से ही। देखिए 400 पार का हमारा आंकड़ा है वो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट हम जीतने जा रहे हैं। राम में है, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनाया गया है, धारा 370 है और हमारी तरह तरह CCA और हमारा जितनी भी योजनाएं हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री दिए हैं उनका एक अलग ही महत्व है। और ये कहीं भी कोई भी झूठ ला नहीं सकता इस बात के लिए। समाजवादी पार्टी का तो हम जिक्र भी नहीं करना चाहते हैं, सच्चाई तो ये है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जितने हिंदुत्व की बात कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके सबका साथ सबका विकास। आज माताएं बहनें हमारी कितनी सुख में जी रही हैं, आप लोग भी देखो खुलेआम कहीं भी जा सकते हैं, आ जा सकते हैं हम, और हमारे लिए इससे बड़ी कोई भी सुख की बात नहीं है। आज हम सारे चहुमुखी विकास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें आज इतनी योजनाओं के साथ में जितने भी गरीब लोग हैं उनकी सम्मान निधि देखिए, किसानों के हित में MSP करा था अभी वो देखिए, तो ऐसा नहीं है। नितिन गडकरी जी का मैं नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने सारे आप देखोगे मार्ग कितना इतने अच्छे अच्छे रास्ते बनाए हैं, तो मैं नहीं समझता कि 400 पार से हम नीचे रह जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। और मैं सभी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सभी लोग देशवासियों से कि भाजपा ही एक हमारे पास ऐसा विकल्प रह गया है जिससे कि देश के विकास की एक दौर आएगी। भारत माता की।